हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेताज इजी कुकिंग चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जल जीरा मसाला चाय की रेसिपी, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो जल जीरा मसाला चाय बनाने के लिए हमें चाहिए होगी चाय पत्ती, ये नॉर्मल चाय पत्ती है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। चीनी चाहिए होगी, और क्योंकि हम जल जीरा मसाला चाय बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिया है जल जीरा पाउडर। यहाँ पे हमने बिल्कुल रेडीमेड जल जीरा पाउडर लिया है। थोड़ा सा नमक चाहिए होगा और हमें चाहिए होगा नींबू। तो ये पूरा का पूरा नींबू नहीं इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा पार्ट ही इस्तेमाल होगा। और हमें चाहिए होगा पानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 1 कप जल जीरा मसाला चाय बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक पैन में डाल देंगे करीबन 1.5 कप पानी। फ्लेम को कर देंगे हम हाई पे ऑन, और अब हम पानी के उबलने तक का इंतजार करेंगे। जैसे ही पानी उबल जाएगा हम इसमें डाल देंगे करीबन 1 टीस्पून चाय पत्ती। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून चीनी। तो दोस्तों, जब मैं नॉर्मल चाय बनाती हूँ तो 1 कप में 1 ही टीस्पून चीनी डालती हूँ, मगर इस वाली चाय में थोड़ी सी चीनी ज्यादा पड़ती है। फ्लेम को अब हम मीडियम या लो पे कर देंगे। दोस्तों, हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमारी जो चाय है वो कड़वी नहीं हो जानी चाहिए। अब हम इसमें करीबन 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब जैसे ही चीनी घुल जाएगी और इस पानी में चाय का फ्लेवर आ जाएगा, अच्छा रंग आ जाएगा, हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जल जीरा पाउडर। जल जीरा पाउडर डालने के बाद हम फ्लेम को कर देंगे बंद और ले चलते हैं इस चाय को छानने के लिए। तो चाय तो हमने छान ली, मगर अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। अब हम एक नींबू का पतला सा स्लाइस काटेंगे और इसमें इस तरीके से निचोड़ देंगे, और ये तैयार हो गई हमारी जल जीरा मसाला चाय। तो दोस्तों, जब भी आप गर्मियों में थके हारे घर पे आए, एक बार इस चाय को जरूर ट्राई करिएगा। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप इस चाय को पी लेंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक के ग्रुप्स पे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूं तो आपसे वो मिस ना हो जाए। अभी के लिए विदा लेती हूँ, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।